नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसानों की अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर की पाठशाला में। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 एचपी में जॉन डियर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर 5105। और इस ट्रैक्टर के बारे में फीचर्स, प्राइस और स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी दबा देना, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोज तुरंत मिल पाए। तो चलिए किसान भाइयों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के लुक की। तो ये ट्रैक्टर जॉन डियर के टिपिकल लुक स्टाइल में आता है। और इस ट्रैक्टर के वेरिएंट की बात करें तो इस ट्रैक्टर में दो वेरिएंट आते हैं। ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये टू व्हील ड्राइव मॉडल है। और फोर व्हील ड्राइव मॉडल भी आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाएगा, जो 40 एचपी की श्रेणी में इंडिया में सबसे पहले लॉन्च होने वाला ट्रैक्टर था। 2017 में ये ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था और अभी तक तेजी से मार्केट में पकड़ बनाते हुए ये ट्रैक्टर चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो 3029DPY93 सीरीज का इस ट्रैक्टर में इंजन मिलता है, जो जॉन डियर का खुद का अपना बनाया हुआ है। और ये इंजन 3 सिलेंडर माइक्रो इनलाइन फ्यूल पंप के साथ आता है। और ये इंजन 2100 RPM के ऊपर 40 एचपी जनरेट करता है। और आपको पता ही होगा कि जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों के इंजन 2900 CC के आते हैं। और अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के अदर फीचर की। तो जॉन डियर में आपको जो स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग हो गया, ड्राई एयर फिल्टर हो गया, प्लेनेटरी रिडक्शन हो गया, इस टाइप के सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, जो जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों में आते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के क्लच और ब्रेक की। तो इस ट्रैक्टर में आपको तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक मिलेंगे। और इसके क्लच की बात करें तो टू व्हील ड्राइव मॉडल में आपको सिंगल क्लच मिलेगा और फोर व्हील ड्राइव मॉडल में आपको डबल क्लच मिल जाएगा। और इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 50-50D वाला पिछला हिस्सा मिल जाएगा, जो कि 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स के साथ मिलेगा। और इसमें आपको ट्रांसपोर्ट लॉक और ऑक्स वाल्व भी आपको मिल जाएगा। और इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो इसमें आपको टू व्हील ड्राइव मॉडल में आपको मीटा की हाइड्रोलिक मिलेगी, और फोर व्हील ड्राइव मॉडल में आपको दोनों लिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, मीटा और जेडी दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। और फोर व्हील ड्राइव मॉडल में आपको SCV वाल्व भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको टू व्हील ड्राइव में नहीं मिलेगा। और ये जो आपको दिख रही है वो मीटा की हाइड्रोलिक है और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 1600 kg की। और इस ट्रैक्टर के P2HP की बात करें तो इसमें आपको 35 HP की P2HP मिलेगी। और टायर की बात करें तो इसमें आपको आगे वाले टायर 6016 के और पिछले वाले टायर 13628 के आपको मिलेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रैक्टर इंडिया में इतना फेमस क्यों हो रहा है और इतनी तेजी से क्यों बिक रहा है। तो ये ट्रैक्टर जॉन डियर ने अपने 5038D को डिसकंटिन्यू करके इसको बनाया है, और 40 HP की रेंज में सबसे बढ़िया ट्रैक्टर है इस जॉन डियर का। और सभी किसान भाइयों के लिए ये ट्रैक्टर सूटेबल है, क्योंकि इसको मल्टी यूटिलिटी पर्पज के लिए इसको बनाया गया है। यानी कि ये ट्रैक्टर खेती के लिए, हॉलेज के लिए और कमर्शियल पर्पज के लिए भी ये ट्रैक्टर काफी सक्सेसफुल है, क्योंकि इस ट्रैक्टर की रोड स्पीड भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपको 2100 rated RPM पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के प्राइस की। तो 580,000 से 610,000 के आसपास आपको ये ट्रैक्टर ऑन रोड मिल जाएगा। और फोर व्हील ड्राइव मॉडल की बात करें तो आपको 7 लाख के आसपास इसका फोर व्हील ड्राइव मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपके मन में इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर मुझे जरूर बताना। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।